हाय एवरीवन आई वेलकम यू अगेन ये है ओ टू आई एकेडमी मैं हूँ कृतिका और हम लोग यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के जो करंट अफेयर्स हैं उसका एयर एंड रिव्यू कर रहे हैं आज जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं कैटेगरीज ब्रॉड कैटेगरीज वो हैं साइंस एंड टेक यानी कि स्पेसिफ़िकली इसमें आईआईटी आई मंडी आता है क्योंकि उन्हें बहुत सारे इस तरीके के जो नई इन्वेंशन कह सकते हैं रिसर्च जो है वो कह सकते हैं जो साइंस और टेक में दोनों में ही यहाँ हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलती हैं फिर आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट हिमाचल प्रोन इट्स इज प्रोन टू ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ थर्टी थ्री डिजास्टर्स टोटल थर्टी थ्री होते हैं उसमें से पच्चीस जो है हिमाचल में हो सकते हैं तो इसके मैनेजमेंट के लिए पिछले एक साल में क्या क्या किया गया है प्री के लिए मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है हिमाचल में हो रहे किसी भी एग्जाम के लिए ये जो आपकी सीरीज है ये आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी तो रही बात इसका पीडीएफ एक ही डॉक्यूमेंट है विच एम स्क्रोलिंग तो इसका डॉक्यूमेंट मिलता है आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर एक कोर्स मिलेगा आपको एच एस टेस्ट सीरीज उसके फ्री रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में आपको इसका पी जो है मिल जाएगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले एक बार ज़रूर डॉक्यूमेंट को देख के जाइएगा इट विल हेल्प यू श्योरली क्योंकि स्टैटिक भी जो है वो साथ साथ में कवर हो जाता है जब हम लोग इस तरीके की न्यूज़ जो है वो कवर कर रहे होते हैं ठीक है थीके? तो चलिए शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक के न्यूज़ के साथ में तो सबसे पहले तो ड्रोन्स इनफैक्ट मैं ड्रोन्स की एक अलग कैटेगरी भी बना सकती हूँ हिमाचल में इतना ज़्यादा इसका यूजेज जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो छोटे छोटे ना बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे पिछले साल में जो कि अगेन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी जो टेक टेकफॉर्म थी वो क्या कर रही थी कैसे कर रही थी तो बेसिकली हम ड्रोन्स के यूजेस के ऊपर ज़्यादा जाना चाहते हैं और इसका फ्यूचर क्या है हिमाचल के लिए हिली स्टेट लाइक हिमाचल वहां पे क्या है तो पहला तो न्यूज़ है कि डिलीवर मेडिसिन जो हैं वो डिलीवर किए ड्रोन का यूज़ करके और कुछ ऐसे न्यूज यहाँ पे और भी थे बहुत सारे जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज आईटीआई आई शाहपुर कांगड़ा में इसको यहाँ पर हिमाचल में ये पहला ड्रोन फ्लाइंग स्कूल यहाँ पर बना क्या बातें होंगी यहाँ पर जो भी आपकी इंडस्ट्रियल ट्रे, ट्रेनिंग है रिगार्डिंग दी ड्रोन्स वो दी जाएगी चाहे वो इसको ऑपरेट करने के लिए हो स्किल डेवलप करने के लिए हो चाहे इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वेरी अर्ली स्टेजेस में वो उसके रिलेटेड हो तो ये आपका पहला आ, फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग स्कूल यहाँ पर बना फिर आ गया हिमाचल के कैबिनेट ने ड्रोन पॉलिसी भी यहाँ पर जो है वो उसको भी बनाया तो इसमें बातें क्या की गई हैं इसमें बातें की गई है हिमाचल बींगा हिली स्टेट बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जैसे कि कोविड फेज में हमने देखा कि मेडिसिन हो गया या आपके बेसिक चीजें जो हैं वो इधर उधर ले जाने में कितना इशू होता है तो ड्रोन जो हैं वहाँ पर हेल्पफुल रह सकते हैं पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का जो फील्ड में यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में इसका यूज़ किया जाता है हॉर्टिकल्चर में हम लोग ने शिमला वाले एरिया में इसको यूज़ किया गया रोड मैपिंग्स के लिए जितना भी आपकी स्वमित्व स्कीम है उसके अंडर हमने देखा कि रोड मैपिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है फिर कांगड़ा में इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इलीगल माइनिंग की सर्वेलेंस के लिए भी वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है बॉर्डर एरिया में हमें जो ड्रग अब्यूज़ है वो देखने को मिलता है जितना भी ड्रग्स है वो बॉर्डर एरिया से अंदर आता है तो वहाँ पर सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाता है एज़ वेल एज़ लेटेस्ट हमने जो न्यूज़ देखी थी वो थी पोंग डैम की कि पोंग डैम जो है वो सेंचुरी एरिया है वहाँ पे कल्टीवेशन करना कुछ भी उगाना सिंस आपका राबी सीजन चल रहा था तो वो अलाउड नहीं है लेकिन लोग वहाँ पे अपनी जो भी बीजना चाहते हैं वो लगा के चले जाते थे तो उसकी सर्वेलेंस के लिए भी वहाँ पर ड्रोन्स जो है वो यूज़ किए गए तो बेसिक ये जो ड्रोन पॉलिसी है ये इस, इस तरीके का फ्रेमवर्क इसमें बातें की गई कि कैसे अभी जब ड्रोन्स हैं सबसे पहले मैनुफैक्चरिंग का हब भी हिमाचल बने और उस तरीके से उसको ऑपरेट करना है उसमें भी आगे रहें एंड इसके रिगार्डिंग गवर्नेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यूजुअली जितने भी हम लोग अटैक्स के बारे में सोचते हैं वो ड्रोन्स के थ्रू लाइक बहुत इजीली किए जा सकते हैं अनमैंड एरियल व्हीकल वहाँ पर वो है तो उसके लिए जो एयर स्पेस है उसमें गवर्नेंस भी करना जरूरी है तो ये जो आपका आ, पॉलिसी है ये होलिस्टिकली इस ड्रोन इकोसिस्टम के बारे में ही बात करती है उसी तरीके से और जो हमारे पास में इंस्टीट्यूट्स हैं या हमारे पास में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे जो है इसको एज अ करिकुलम वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगी कि ड्रोन टेक जो है इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अगेन द करिकुलम एज आई टोल्ड यू इसके यूजेस जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं रिलायबल है अगेन uh, इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जा सकता है स्किल्ड मैन पावर चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है एजुकेशन इसके रिगार्डिंग एजुकेशन और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो कि इसके बारे में वहाँ पर जो एजुकेशन है उसको इम्पार्ट कर सकें बहुत सारे इसके यूज़ेस हैं जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट है रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो की जा सकती है हम लोग अक्सर सुनते हैं जून जुलाई वाले एरिया में टाइम पे जब भी लोग ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं तो ऊपर फंस गए या फिर कुछ और इश्यू हो गया लैंड हो गया तो सर्च टीम्स जो है वो वहाँ पर जाती हैं तो ये जो आपकी अगेन uh, ड्रोन्स uh, है ये काफ़ी इजीली रियल टाइम सर्वेलेंस कर सकते हैं कि हु आर द पीपल कमिंग गोइंग ऑन द स्पेसिफिक ट्रैक्स जहाँ की ये हमें डिजास्टर uh, जो है ज़्यादा देखने को मिलते हैं माइनिंग हो गया एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया हेल्थ केयर सो इस तरीके से टूरिज्म एजुकेशन बहुत सारे एरियाज में इसके यूज हमें देखने को मिलते हैं तो कुछ आगे वाली न्यूज़ जो है वो आईआईटी मंडी से रिलेटेड है यहाँ पर उन्होंने कुछ ना कुछ नई रिसर्च आगे लेकर आए हैं तो इसके एकदम डीप साइंस में नहीं जाना है वो इन लोगों ने कर लिया है इजीली लेकिन हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से वाले एरिया में ये काम कर रहे हैं तो जैसे कि सबसे पहला इन्होंने एक फोटो कैटलिस्ट बनाया जो कि प्लास्टिक को हाइड्रोजन में और और जो आपके यूजफुल प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है तो ये जो रिसर्चेज है ये काफ़ी टाइम से चल रही हैं लेकिन यूजुअली प्लास्टिक हाइड्रोजन के साथ में कुछ और क्रिएट करता है जो कि एक अगेन पॉल्यूटिंग एजेंट रहता है यहाँ पर इन्होंने ये जो यूजफुल प्रोडक्ट है जो एक्स्ट्रा बना है ये यूजफुल प्रोडक्ट बना है ये इनका पूरा का पूरा रिसर्च है तो फोटो uh, कैटलिस्ट होता क्या है तो बेसिकली वो उस रिएक्शन को जो है जल्दी यहाँ पर फास्ट कर देता है जो प्लास्टिक है वो जल्दी डिग्रेड होगा हाइड्रोजन में सो so, उसके ऊपर ये इन्होंने जो है ये लेकर आया नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिजीनियस एंटी हेलगन इंस्टॉल्ड इन जुब्बल इन शिमला तो एंटी हेलगन क्या होते हैं हेल होता है आपका ओले और ओले यूजली बनते हैं जब वो उनको इस तरीके से एक पुश मिलता है नीचे से विंड का और वो ऊपर जाते हैं उनके ऊपर पानी का एक और लेयर जो है वो फ्रीज कर जाता है वो फिर नीचे आते हैं इस तरीके से वो बड़े होते जाते हैं जब बड़े होते हैं तो नीचे गिरते हैं और जो भी आ, कुछ लगा हुआ है हॉर्टिकल्चर है या फिर एग्रीकल्चर है दोनों को यहाँ पर नुकसान होता है तो इसी के लिए ये जो हेल एंटी हेल गन्स हैं ये बाहर देशों से स्विट्जरलैंड से यू से मंगवाए गए बहुत महंगे महंगे आते हैं जो गवर्नमेंट्स हैं वो इनका खर्चा उठाती थी लाइक तीन चार आई हैं हिमाचल में तो फिर उसमें क्या देखा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है उसको चलाना जो उसके लिए फ्यूल यूज़ होता है एवरी थिंग इज़ वेरी कॉस्टली तो इसी के लिए इंडिजीनियस इस तरीके की एक जो हेल गन है वो बनाई गई है आई आई टी बॉम्बे ने मिलकर जो आपकी नॉनी यूनिवर्सिटी है उसके साथ तो इसका बेसिक आइडिया क्या है कि इसमें जो आपकी यहाँ पे इस तरीके से कुछ साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती है सुपरसोनिक वेव्स रहती हैं ये कि ये उसको ऊपर ही नहीं जाने देते वो उससे पहले बारिश बन के गिर जाता है तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आपका टेम्परे ये जो वेदर कंडीशन है इनका पता होना चाहिए क्योंकि अगर लेट हो जाते हैं या जल्दी कर लेते हैं तो हेल जो आपका ओला है वो तो बन ही जाएगा है ना इसी अब जो आपके एंटी हेल हेलनाट नेट्स होते हैं उनके ऊपर भी जो आपका गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ सब्सिडी देता है लेकिन अभी वो भी फेल होने शुरू हो गए हैं एप्पल फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल के ऊपर अगर हेल गिरता है तो क्या होगा ख़राब तो हो ही जाएगा उसकी जो नेट वैल्यू है वो तो कम हो जाएगी सो so, इस तरीके से ये इंडिजीनियस बनाया आईआईटी आई बॉम्बे के साथ में ये एलपीजी गैस के ऊपर रन करता है ज़्यादा चीपर है एज़ कम्पेयर टू दी जो इम्पोर्टेड जो यहाँ पर लाया करते थे और लोगों के लिए यूज़ भी करना ईजी है बहुत लाइक कम्बर सम प्रोसेस नहीं है सो so नेक्स्ट आ गया एट फर्स्ट हिमाचल प्रदेश बिगिन डी एन ए डेटा क्रिएशन तो देश का सबसे पहला स्टेट हिमाचल बना जिसने डी एन ए डेटाबेस बनाया तो डी एन ए डेटाबेस का मतलब क्या है जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं कि बेसिक जो आपका कहीं पे फिंगरप्रिंट रह जाता है नेल रह जाता है इस तरीके का एक डेटाबेस बना हुआ था जहां पे उसको डालते हैं और फिर वो करके कि इसके साथ में मैच कर गया हमारा इंडिया में इस तरीके का कोई डेटाबेस है नहीं तो हिमाचल जो है पहला बना ये अभी इसमें थोड़ी सी लाइक uh, like, कमी कमी क्या है अभी ये इनिशियल फेज पे है बेसिकली तो इसका ये जो डेटा सेंटर है वो जुनगा में है और ये सिर्फ अभी दो हज बीस हज़ार डी एन ए प्रोफाइल्स को यहाँ पर सेव रख सकता है तो इसको भी और जो है लेबरेट किया जाएगा जो भी आपके स्पेसिफिकली क्रिमिनल्स हैं उनके लिए अभी इसको यूज़ किया जाएगा कि वहाँ पर डेटा बेस हो उनका मूवमेंट जो है वो ट्रैक किया जा सके कि कौन कौन से लाइक हीनीस क्राइम्स में वो यहाँ पर रिलेटेड हैं सो आने वाले टाइम में इसकी जो कैपेसिटी है इसको यहाँ पर इंक्रीज़ किया जाएगा नेक्स्ट न्यूज़ है अगेन साइंस से रिलेटेड दैट इज हिमाचल रिकॉर्ड्स द बर्थ ऑफ फर्स्ट सेक्स सीमन काफ तो ये है जेंडर सिलेक्शन की बेसिकली बात जब भी हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि फीमेल की वहाँ पर इच्छा रखी जाती है फीमेल काफ हो और इससे क्या होगा जो आपके स्ट्रे एनिमल्स रोड्स पे घूमते हैं या लोग छोड़ देते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि अभी वो वाला टाइम चला गया जब लोग बैल यूज़ करते हैं जोतने के लिए अभी बहुत कम होता है अभी ट्रैक्टर्स आ गए और सौ पचास चीज़ें आ गई हैं ऐसे चलाओ वैसे चलाओ तो बेसिकली इससे वो वाला इशू जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा ये आपकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और वो जो काफ था उसका नाम उन्होंने अंबिका रखा साहिवाल ब्रीड का है ये बेबी बेबी तो क्या कैटल और फिर जो है ये यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी का यूज देखा कि कितने मेन्स तरीके से काम कर रही है सो नेक्स्ट इज रिसर्चर्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी मंडी में इन्होंने कुछ सस्टेनेबल टेक्निक्स निकाली है कि किस तरीके से सॉइल को स्टेबलाइज करना है सॉइल को स्टेबलाइज करने का मतलब है कि बिना किसी हार्मफुल चीज़ के लाइक पेस्टिसाइड या बीडीसाइड या सौ तरीके की जो चीज़ें डाली जाती है सॉइल में उसके बिना सॉइल का जो न्यूट्रिशन लेवल है न्यूट्रिय लेवल है वो वहां पर बरकरार है तो इसके लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया को यहाँ पर यूज किया एस एसपेस्टी जो कि uh, यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है टू प्रेसिपेट कैल्सेट बेसिकली सॉइल को यहाँ पर वो स्टेबलाइज करता है और उस चीज़ का असर जो है उनके आसपास के कैंपस में देखने को मिल जाता है बिकॉज दे हैव बीन डूइंग इट फॉर अ वॉइल राइट सो नेक्स्ट इज रिसर्च एडी मंडी हैव आइडेंटिफाइड ड्रग मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल का नाम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो देखो डायबिटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली पेनक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करता है और ये जो इंसुलिन है ये अगर सिक्रीट होना बंद हो जाए किसी भी लाइक ये बाद में हो सकता है या बचपन से ही हो सकता है उसी के बेसिस पे टाइप वन टाइप टू डिजीज रहते हैं विद टाइम जो है अगर आपके पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो है वो डिग्रेड कर जाते हैं और इंसुलिन क्रिएट नहीं करते तो उसको हम टाइप टू डायबिटीज बोलते हैं और अगर बचपन से हो तो फिर हम उसको टाइप वन डायबिटीज बोलते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं इसमें इंसुलिन जो है वो बॉडी में दिया जाता है इंजेक्ट किया जाता है लेकिन Uh, ये जो आपके रिसर्चर्स हैं इन्होंने यही वहाँ पर किया कि एक मॉलिक्यूल ऐसा निकाला जिसका नाम है पी के टू ये जो पी के टू मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर ओरल ऑप्शन की तरह काम करेगा यानी कि जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से एक टैबलेट ली जा सकती है ये उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपकी बॉडी में इस तरीके से कि वो इंसुलिन की तरह यहाँ पर काम करेगा तो अगेन बेसिकली इंजेक्टेबल फॉर्म से इसको ओरल जो टैबलेट है उस फॉर्म में ये लेकर आए हैं इसके ऊपर ये बात की गई है मॉलिक्यूल का नाम पता होना चाहिए दैट so इज़ के टू नेक्स्ट आ गया आई आई टी वन डी टीम डेवलप फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐप आईओटी का पता होना चाहिए उसके लिए यहां पर काम कर रहे हैं वॉट इज आईओ आने वाले टाइम में हम लोग सौ तरीके के डिवाइसिस यूज़ करते हैं हमारे पास में ये है वो है तो जब हम लोग हाईटेक मूवीज़ के बारे में सोचते हैं वो कर्टन्स खोल देते हैं ना या कहीं पे बैठे हुए गीजर ऑन कर देते हैं तो वही वाली चीज़ कि हमारा जो हर एक डिवाइस है हर एक अप्लायंस है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होगा वाया नेटवर्क उसको हम आई कहते हैं जिस एरिया में अगेन ये जो आपकी आई मंडी है दे हैव बीन रिसर्चिंग थिंग्स सो so नेक्स्ट आ गया आईआईटी मंडी रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम शॉर्टेज के ऊपर काम कर रहा है तो बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को आ, आपका टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बांटता है लाइक एलोकेशन like, इसकी प्रॉपरली होती है तो ये जो आपका इसका शॉर्टेज है बेसिकली ये फिक्स है ना इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आई मंडी काम यहाँ पर कर रहा है राइट right? नेक्स्ट आ गया रिसर्चर्स डेवलप्ड फॉर बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स टू क्रिएट कोलोरेक्टल कैंसर तो ये थर्ड सबसे कॉमन कैंसर uh, है टाइप ऑफ कैंसर है जो कि um, हमें मेन uh, में देखने को मिलता है पुरुषों में देखने को मिलता है एंड एट परसेंट ऑफ ऑल द कैंसर डेथ आठ प्रतिशत जो है इसके लिए यहाँ पर रिलेटेड है तो इस तरीके का बायोडिग्रेडेबल नैनो मोलिक्यूल जो है वो बनाया है आई मंडीज ने रिसर्चर्स ने बेसिकली कि जो इस तरीके के मैकेनिज्म में काम करता है इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए सिंस ये वी आर सेइंग दैट इट इज़ बायोडिग्रेडेबल तो ये हमारी बॉडी में रह के ही खत्म हो जाता है एंड हेंस जो भी ये इशू है कैंसर है उसको भी यहाँ पर उसके साथ में भी यहाँ पर काम करता है तो इसके एंटी कैंसरस ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर आने वाले टाइम में उनको और एक्सप्लोर किया जाएगा एक और चीज़ डिस्कवर की है इन्होंने दैट इज़ बायो लिंक बिटवीन फैटी लिवर डिजीज एंड टाइप टू डायबिटीज़ तो यहाँ पर देखा गया कि जिन लोगों को नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है उनको साथ साथ में टाइप टू डायबिटीज भी होता है तो ये जो है आपस में रिलेटेड है ये रिलेटेड किससे है सो ये एक बायोकेमिकल लिंक से रिलेटेड है जिसका नाम है एस हंड्रेड ए सिक्स वो इनहेबिट करता है जो आपका इंसुलिन है उसकी सिक्रीशन को सो so, इसको से इंसुलों ने डिस्कवर कर लिया है नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन या फिर आ, किसी भी तरीके से जो है इसको इनहिबिट किया जा सकता है सो so दैट अगर किसी को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है भी तो उसको डायबिटीज ना हो राइट एस हंड्रेड ए सिक्स सो नेक्स्ट आई आई टी मंडी ने एक डिवाइस uh, जो है वो डिज़ाइन किया है टू डिटेक्ट स्ट्रोक्स वो वाले स्ट्रोक्स जिसमें आपके ब्रेन में ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है बंद हो जाता है जिसकी जो ये स्ट्रोक uh, है ये आपको आ जाता है उसी को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने जो डिवाइस है वो यहाँ पर uh, बनाया है एंड इट इज़ यूजिंग नियर इंफ्रा रेड लाइट एमिटिंग डायोड सो so, इस तरीके से एंड द लास्ट वन इज दे हैव जनरेटेड पावर बाय यूजिंग न्यू फोटो वोल्टेज मटीरियल जो कि घर पे पड़े हुए एल या सी से इसको लाइट जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है अगेन सिर्फ आपको हल्का फुल्का टॉपिक का आइडिया होना चाहिए जरूरी नहीं है बहुत इनर टेक्नोलॉजी में जाने की यहाँ पे स्पेसिफिकली जब हम टेक की बात करते हैं अगर कोई भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो लाइक इंपॉर्टेंस रखते हैं जैसे आई मंडी के बहुत सारे न्यूज़ थे सो तो इसके डीपर सेंस में जाने की जरूरत नहीं है इसको आप हल्का सा पढ़िए और मेन्स में जो है इसको यूज़ किया जा सकता है सो so नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अब बेसिकली इसमें बात की जाती है कि जितने भी डिजास्टर्स हैं उनके लिए प्रिपेरनेस मिटिगेशन या फिर बाद में जो है क्या, क्या क्या किया जाना चाहिए कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो स्टेट के पास होनी चाहिए उसी मैनेजमेंट को हम लोग यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं इसके लिए सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि किस तरीके का हेजार्ड प्रोफाइलिंग है किसी भी स्टेट में तो टोटल देर आर थर्टी थ्री नंबर ऑफ नेचुरल डिजास्टर या याजार्ड जिसमें से पच्चीस के लिए हिमाचल वॉलोरेबल है वो कौन कौन से हैं तो वो आपके आते हैं फ्लड्स हो गए देन वी लैंड स्लाइड अर्थक्वेक्स डैम फेलियर स्नो एवलांश क्लाउड बर्स्ट ये सारे के सारे है ना तो इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म जो है इनको मैनेज uh, करने के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं पर सबसे पहला सवाल उठता है कि हिमाचल प्रदेश इतना वॉलोबल है क्यों तो पहला रीज़न तो सबसे स्ट्रांग रीजन है हिमालयाज तो हिमालय ये एक हिमालयन स्टेट है तो ग्रोइंग हिमालय है ऑलरेडी अनस्टेबल है सिस्मिक एक्टिविटी ज़्यादा है हेंस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हो जाता है यानी कि थोड़ी सी भी कुछ ऊपर नीचे चीज होती है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसिस जो है वो बड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ठीक है इसी के लिए स्टेट जो है उसने अपना स्टेट क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान जो है वो बना के रखते हैं 2012 में तो पुराना वाला था अभी 2019 से लेके 30 तक जो है वो नया वाला यहाँ पर बना है तो जैसे कि हमने एनवायरमेंट में भी पढ़ा था कि क्या होता है जो आपके ग्लेशियल लेक्स हैं हमारी वो बन रही हैं ज़्यादा यानी कि हम हिमाचल इज होम टू अराउंड एट ग्लेशियर्स वो जो है यहाँ पर मेल्ट कर रहे हैं अब बेसिकली होगा क्या जब वो मेल्ट करेंगे तो रिवर्स में पानी का फ्लो बढ़ेगा उनका जो लेवल है वो इंक्रीज करेगा और फिर वो फ्लड्स लेकर आएगा जाएगा उसके बाद में कुछ सालों के बाद जब ये कम होना शुरू होंगे ग्लेशियर्स डिसअपियर कर जाएंगे तो पानी का फ्लो कम हो जाएगा और डेजर्टिफिकेशन होनी शुरू हो जाएगी इसी बीच में फ्लोरा एंड फोना जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो भी अफेक्ट करेगी सो so, इसी तरीके से क्या है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है अब जैसे क्लाइमेट चेंज है उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता उसको लाइक इट्स कमिंग वन वे और दी अदर उसके लिए सिर्फ ब्रेस करना इंपॉर्टेंट है तो उसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वार्निंग सिस्टम जो हैं वो लगाए जाते हैं अगेन अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डिज़ास्टर uh, मैनेजमेंट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं इन रिस्पेक्ट टू कि गवर्नमेंट क्या कर रही है तो गवर्नमेंट ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं इनको इस्टेबलिश कर रही है इनको यहाँ पर डेवलप करके लगा रही है अलग अलग जगह तो जैसे कि कांगड़ा में अर्ली लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम लगाया गया लाहौल में एवलांच लगाया गया एवलांच क्या होता है इस तरीके से जैसे पहाड़ है तो नीचे की जो स्नो है अगर वो खिसक गई तो वो पूरा पहाड़ जो है वो नीचे आ जाएगा तो इस तरीके से उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है किन्नौर में बात सेरी और निगुलसेरी इन दो जगह में भी लैंडस्लाइड के लिए लगाया गया तो बेसिक आइडिया यहाँ पर है क्या कि देखो ये जो आपका कोई भी लैंडस्लाइड आने वाला है या क्लाउड बर्स्ट होने वाला है इसके बारे में हमें थोड़ा सा पहले अगर प्रायर नॉलेज मिल जाए तो वो जो जान माल का ख़तरा होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है इस तरीके से लेकिन अब ये होता क्या है कि ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड होता है ये जितने भी अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगे हैं कि पायलट प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि अभी इनको ट्रांसमिटर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं सेंसर्स हैं उनको इंस्टॉल किया गया है वो सारा का सारा डेटा जो है उसको इकट्ठा करेंगे उसके कैलकुलेटिव बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर ये यह अर्ली वार्निंग दिया करेंगे पर उसके लिए पहले इनके पास डेटा होना जरूरी है तो दिस इज द वेरी स्टार्टिंग लाइक ये बहुत ही इनिशियल फेज में है अपने और आने वाले टाइम में जो है इसके ऊपर और काम किया जाएगा एक और हम लोग यहाँ पर देखते हैं बैम्बी बकेट ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया कसौली में तो वहां पर जो है एक फॉरेस्ट फायर थी इस तरीके से एक बड़ा सा जो बकेट तरीके से बनता है जैसे कोई भी नियरेस्ट वाटर बॉडी है वहाँ से बड़े अमाउंट में पानी उठा के जो हेलीकॉप्टर्स उस फॉरेस्ट फायर के ऊपर डंप करते हैं सो so इसको हम कहते हैं ये जो है इसका नाम था यहाँ पर बैम्बी बकेट ऑपरेशन राइट अब जब हम लोग फॉरेस्ट फायर ये भी एक टाइप का हिजार्ड है इसका अगर हम डेटा देखते हैं तो इट हैज डिक्रीज विद टाइम जो है हमने इसमें प्रॉपर डिक्रीज देखने को वो, वो, मिला है लेकिन जो रीजन है बेसिकली वो शिफ्ट हो गए हैं जैसे कि बीस इक्कीस में हजार ये नो डाउट यहाँ पर uh, हमें फॉरेस्ट फायर देखने को मिले इसके क्या रीजंस रहते हैं तो सबसे पहले आगे आपका क्रिटिकली हाई टेम्परेचर्स हम लोग जनवरी फेबररी जनवरी फेबररी नहीं मार्च अप्रैल मई की अगर बात करें तो अप्रैल में हाईएस्ट टेम्परेचर्स देखने को मिले हैं uh, हिमाचल में एज ऑफ नाउ के जितने भी आपके ये जो बेसेंस थे रिवर बेसेंस थे इनमें हाइएस्ट टेम्परेचर्स रहे ठीक है उसके अलावा हर जगह पाइन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है हमारे पास में तो दे आर वेरी ससेप्टेबल टू फॉरेस्ट फायर फिर लाइटनिंग हो गई इस तरीके से और बहुत सारे रीज़न्स है जिससे ये फॉरेस्ट फायर होते हैं और बहुत सारा लॉस जो है इसमें चाहे आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो टिम्बर रिसोर्स का लॉस हो वो हमें देखने को मिलता है बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ये हैं ये दो अभी कंट्रोल्ड है लेकिन और इसके ऊपर काम जो है किया जा सकता है तो इसी तरीके का एक डिज़ास्टर uh, मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी चलाया गया था कुल्लू में ये मैंने प्लेसेस में भी पढ़ाया था जिसका नाम था हुआ जे इसमें साइलेंट होता है जॉइंट यूनाइटेड एक्शन फॉर रजीलेंस इन एमरजेंसीज लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई कुल्लू में कि किस तरीके से कोई भी अगर नेचुरल uh, डिज़ास्टर होता है तो किस तरीके से एक्ट करना है इट वॉज़ मोर लाइक अ थिएट्रिकल जॉनर जैसे स्किट होता है या फिर कोई प्ले होता है उस तरीके से ये लोगों को बताया गया तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है प्रिपेयरनेस देन इज रिस्पॉन्स रिकवरी और मिटिगेशन तो इन्हीं चारों चीजों के ऊपर यहाँ पर इसमें काम किया जाता है आठ नए वेदर स्टेशन लाहौल इंड स्पीति में भी सेटअप किए गए हैं यानी कि वही आपका जो डिजास्टर रेजिलेंस है वो एकदम ग्रास रूट लेवल पे अभी यहाँ पर शुरू की जा रही हैिगर्स फ्लैश फ्लड्स एंड लैंड स्लाइड इन हिमाचल प्रदेश तो दिस इज वॉट आईम टॉकिंग अबाउट ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आप जब भी स्पेसिफिकली डिजास्टर प्रोफाइलिंग पड़ेंगे तो उसमें डिटेल में पड़ेंगे सिंस मैं न्यूज ही कवर कर रही हूँ तो ये जो है आप खुद यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि क्या एक क्लाउड बर्स्ट होता है और अगेन लैंड स्लाइड्स क्या होते हैं हिमाचल इज़ वेरी ससेप्टेबल टू फ्लैश फ्लड्स एज वेल एज योर दीज वट वी कॉल इट क्लाउड बर्स्ट हर कभी सुनते हैं हम लोग कि यहाँ पे बादल फट गया वहाँ पे फट गया तो इट्स वेरी लाइक इट हैज़ बिकम न्यू नॉर्मल सो दैट इज इट फॉर टुडे इसके साथ में हम लोग दो कैटेगरीज और कवर कर चुके हैं आने वाले टाइम में और भी करेंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एल सी यू सू